वेलकम फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे या डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो गिवन जो आपके पास डायग्राम है या फिगर है जिसमें कि तीनों फ्लास्क है उनका हाइट एच यानी कि तीनों हाइट सेम है, जो भी लिक्विड है वो सेम लिक्विड है यानी कि उनकी डेंसिटी भी सेम है, और जो बेस एरिया है वो तीनों सेम है। तो गिवन फ्लास्क का हाइट डेंसिटी और एरिया तीनों सेम है, यानी कि फ्लूइड हाइट और एरिया ऑफ द बेस यानी कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेस सब सेम है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कि बताइए कि जो फोर्स है बेस पे वो उसका वैल्यू या उसका रेशियो या उसके कंपैरिजन क्या होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा और प्रेशर एट द बेस क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर दिया जाएगा या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रेशर है वो रो जी एच है, यानी कि वह किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक वर्टिकल हाइट चाहिए उसको, उसके अनुसार वो डिपेंड करता है। तो हमें तो यहाँ पता चल गया कि जो भी बेस होगा यानी कि तीनों के बेस पे एक इक्वल प्रेशर होगा, जिसको हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नाम से पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया कि तीनों के बेस पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेस पे ही जो प्रेशर फोर्स है वो कितना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमको चाहिए प्रेशर इनटू एरिया। तो चूंकि प्रेशर सेम है सभी जगह, एरिया भी सेम है, इसलिए बेस पे प्रेशर यानी कि बेस पे फोर्स भी सेम होगा, यानी कि हमें प्रेशर भी सेम मिला, फोर्स भी हमको सेम मिलेगा बेस पे, क्योंकि एरिया एक जैसा है। अब बात आती है हमको यहाँ पे वेट निकालने की, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेट क्या होगा। तो वेट के बारे में हमको पता है कि वेट ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि एम इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ रो यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिगर से साफ साफ पता चल जा रहा है यहाँ पे कि जो भी वॉल्यूम है वो तीनों के लिए अलग अलग वॉल्यूम है, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टू कंटेन कर रहा है, यानी कि फिगर टू, उसके बाद वॉल्यूम वन कंटेन कर रहा है, और फिर लास्ट में बचा थ्री वॉल्यूम को कंटेन कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि डब्लू टू ग्रेटर देन डब्लू वन ग्रेटर देन डब्लू थ्री। यहाँ पे हमसे वेट का जो यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यानी कहाँ पे वेट एक्ट करेगा यह नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ वेट का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W2 बड़ा है W1 से और W3 से बड़ा है। तो तीनों का आंसर हमको मिल गया। बेस पे जो प्रेशर है और फोर्स है वो दोनों इक्वल है, मतलब तो सभी के लिए बराबर है, यानी कि पी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी थ्री, एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ थ्री, लेकिन W2 ग्रेटर देन W1 एंड ग्रेटर देन W3। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।